अस्सलाम वालेकुम, आज हमें एक टास्क मिला है कि जितने भी हमारे खाली फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको हमने रीफिलिंग के लिए भेजना है। रीफिलिंग पर भेजने से पहले हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, आज वो लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे कि लिस्ट किस तरह तैयार की जाती है और फिर जो प्रैक्टिकली उधर जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं वहाँ पर किस तरह उनकी जो तरतीब लगाई जाती है वो सारा इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले आप देखें सीरियल नंबर, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर। हम फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक टेप लगाएंगे, उसके ऊपर मोबाइल वन लिखेंगे और उसके सामने उसकी टाइप लिखेंगे, वो डीसीपी का ट्रिपल एफ का CO2 का, आगे उसका वेट लिखेंगे और फिर आगे जो उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी कि उसका हेड टेस्ट करवाना है, उसकी होज पाइप चेंज करवानी है, उसको पेंट करवाना है, जो भी उसमें टेक्निकली फॉल्ट होंगे या मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी वो आगे मेंशन हो जाएगी। इस तरह ये पूरी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हम वेंडर को भेज देंगे रावलपिंडी, तो वो इस लिस्ट के मुताबिक उसकी मेंटेनेंस करके भेज देगा। तो अभी साजिद भाई आ रहे हैं, तो फिर उस हम फायर बिल्डिंग में जाएँगे, वहाँ खाली फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं, बाकी वीडियो वहाँ पर जाकर बनाता हूँ। हमारी आगे ये फायर बिल्डिंग और यहाँ पे हमारे खाली फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं, अभी हम यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। गाड़ी को रिवर्स पार्क किया जाता है तो हम भी रिवर्स पार्क करेंगे। इस एरिया में हम अपने खाली फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं और इनमें से जो रिफिलेबल होंगे वो हम इधर लिख कर भेज देंगे और बाकी डिस्कार्ड कर देंगे और उनकी जगह पे नए फायर एक्सटिंग्विशर जो हम परचेज़ कर लेंगे। तो काम शुरू करते हैं। साहिब भाई, ये आपने जो एक्सटर्नल कार्ट्रिज साइड पे कर दिए हैं। हाँ जी, ये पता क्या है, इनको हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है और इनका वेट बहुत ज़्यादा है और यूज़ टू कम्फर्टेबल नहीं है, इनकी मेंटेनेंस, इनको मेंटेन करना भी मुश्किल है, यानी कि इसकी जो हम चेकलिस्ट वगैरह का है जी, जी। चेक करना जरा इसके लिए डिफिकल्ट है क्योंकि गेज वगैरह नहीं है, इस वजह से इसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब हम सारे जो है, अब नया जो है हमारे इनर स्टोरेज सिस्टम जो है उनको हम लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, ऐसा इनको डिस्कार्ड करें। अच्छा, ये जो डिस्कार्ड करेंगे इसके रिलेटेड फिर हमें नए फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएंगे। इसको डिस्कार्ड करेंगे और अपनी लिस्ट बताएंगे कि हमने इतने डिस्कार्ड किए हैं और इसी एरिया के डिस्कार्ड किए तो हमें इतने एक्सटिंग्विशर न्यू चाहिए, सही, तो हम जो है उनको दोबारा जो है इन एक्सटिंग्विशर की रिप्लेसमेंट है न्यू मंगवाएंगे फॉर, ठीक है। तो हम जैसे लिस्ट तैयार करेंगे उसके बाद हम जमा करवाएंगे और उसके बाद हमें मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास जो लिस्ट है ना इसमें टोटल 56 की तादाद है, तो ये हमारे होंगे इतने इंशाल्लाह, उम्मीद है हम 40 प्लस होंगे, ठीक है। वो हमारा जो वो स्टॉक है वो तकरीबन उसमें फील्ड है, हाँ जी, ज़्यादा DCP चाहिए क्योंकि ऑडिट की वजह से हमारा, हाँ जी, ज़्यादा DCP। तो चलो फिर ये शुरू कर लें कि पहले वाटर शुरू कर लें, हम सारे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये तो कुछ फील्ड भी पड़े हुए हैं, जी जी फील्ड है वो, ये सारे फील्ड पड़े हैं। चलिए हम पहले ऐसे कर लेते हैं कि जितने भी खाली हैं सबको एक तरतीब में, हाँ, उसके बाद उसके टेबल लगा के नंबर लगा के शुरू कर लेते हैं। तो अभी हम जितने भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर जो रीफिल के लिए भेजने हैं उनको हम एक साइड पे करते हैं, एक तरतीब से रखते हैं और उसके बाद आगे फिर आप जो हम काम करेंगे वापस शेयर करते हैं।